आइए मैं आपको एक केस बताता हूँ बनारसी लाल कटारिका का। गोल्ड एंड सिल्वर कैपिटल एसेट है। बनारसी लाल कटारिका ने फाइनेंशियल ईयर में कुछ चांदी के बर्तन बेचे थे और उन चांदी के बर्तन पे उनको इनकम हुई थी, लेकिन उन्होंने उस पर टैक्स नहीं दिया था। इनकम टैक्स ऑफिसर बोला कि भाई ये कैपिटल एसेट है, आपको इस पर टैक्स देना होगा। बनारसी लाल कटारिका बोलते कहते नहीं भाई, ये तो पर्सनल एसेट है मेरे लिए। उसने बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर, तुम लोग जैसे स्टेनलेस स्टील के थाली में खाते हो ना रोज, या फाइबर के प्लेट्स में खाना खाते हो, हम लोग रोज चांदी के थाली में खाते हैं, हम लोग रईस लोग हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं मानता है और ये कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, और कोर्ट में भी यही बात कहते हैं और कोर्ट इनकी बात मान लेता है। और कोर्ट ये फैसला सुनाता है, कहता है कि चांदी के बर्तन बनारसी लाल कटारिका जैसी औकात रखने वाले लोगों के लिए चांदी का बर्तन पर्सनल एसेट है। सबके लिए नहीं हुआ, यानी वैसी औकात रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है तो क्या अब उसको कोई वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा या डिस्प्यूट करने की आवश्यकता पड़ेगी इनकम टैक्स ऑफिसर से? नहीं, वो कहेगा एज डिसाइडेड इन द केस ऑफ बनारसी लाल कटारिका।